आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास 6। ओके, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, देन डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अ सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पे क्लास 6 में दो सेक्शन है, एक तो है हमारा सेक्शन ए, ओके, और दूसरा है यहाँ पे सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन ए में स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे 32, ओके, एंड सेक्शन बी में कितने 36। अब हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बेसिकली हमें फाइंड करनी है कि लाइब्रेरी में कितनी होनी चाहिए, ताकि ये बेसिकली हर एक स्टूडेंट में क्या है इक्वली डिवाइड हो जाए सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, 32 और 36 का। ठीक है, फॉर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विच कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, दैट इज 32 एंड 36। ओके, तो जब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो ये क्या है 32, 36, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या है 2 से हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, ये हो जाएगा 16 टाइम्स, 2 1 2, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, और ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा तो ये 16, तो 2 8 जा 16। ओके, अगेन यहाँ पे ये 2 से दोनों फैक्टर डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। ओके, अगेन ये 2 से हो जाएगा तो 2 4 जा 8 एंड 2 ये 9 एज इट इज रहेगा। ओके, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 9 का एज इट इज रहेगा। फिर ये 2 से हो जाएगा, ओके, तो अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड ये 9, फिर ये 9 ये 3 से हो जाएगा तो 1 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 1 1। ओके, तो इसका जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 3 जा 69 और 69 3 जा 288। ओके, तो उसे मिनिमम 288 बुक्स रखनी पड़ेंगी, ताकि वो हर एक स्टूडेंट बेसिकली क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ही क्या है 288 बुक्स रखनी है। ओके, अब इनमें चाहे तो आप 32 का डिवाइड करें या 36 का डिवाइड करें, ये बेसिकली दोनों से डिविजिबल हो जाएगा बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, अगर ये बिना किसी रिमाइंडर के दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो बेसिकली जो 288 बुक्स हैं ये बेसिकली क्या है हर एक स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ना ही कोई बुक बचेगी। ठीक है, तो 288 इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।